लेकिन मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से स्थित महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ जिला यहाँ से। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आए, जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दो कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर पहुंच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनित धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। एक दासी पुत्र है, ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बलवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाई को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाई चिंतित हुई। तभी पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज